हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 3.4 देखो, इसमें क्या कहता है। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या होता है? 0°C। ठीक है, तो T1 मान लो हमारा इसमें 0°C है और उस पर जो रेजिस्टेंस आया है हमारा वो कितना आया है? 5 ओम आया है। ठीक है, एंड एट द स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट मतलब क्या है हमारा? 100°C। 100°C पर कितना है हमारा रेजिस्टेंस आया हुआ? R2 हमने मान लिया 5.23 ओम मान लिया हमने। या इतनी बात क्लियर है, बताओ। एंड व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, मतलब एक टब होगी हॉट बाथ की, ठीक है, तो जो थर्मोमीटर वहाँ इंसर्ट किया तो जो रेजिस्टेंस है प्लैटिनम वायर का वो कितना बन गया? ये इतना बन गया, मतलब ये R3 हम कंसीडर कर लें, ये बन रहा है 5.795 ओम का। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, तो यानी कि ऑब्वियस बात है इस हॉट बाथ का जो है अब टेम्परेचर बताना है इतने रेजिस्टेंस पे कि क्या होगा। तो यानी कि वो T3 मान लेंगे हम और यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है, अब ये आपको पता ही है फॉर्मूला टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला जो हम करते थे, वो क्या करते थे? R = R0 1 + α और ये क्या होता था हमारा? डेल्टा टी। इस डेल्टा टी को हम कैसे लिखते थे अगर याद हो आपको? ये R हो गया, ये R0 हो गया, ये 1 + α। डेल्टा टी को लिखते थे हम T - T0। तो अगर आपको यहाँ पर याद है कहानी, तो ये हमारा क्या होता था? फाइनल रेजिस्टेंस, ये इनिशियल रेजिस्टेंस, ये फाइनल टेम्परेचर और ये इनिशियल टेम्परेचर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ से इसको चेंज करें तो ये फाइनल हमारा कौन सा है? R3 है, तो मैंने R3 लिख दिया। इनिशियल कौन सा है हमारा? R1 है, तो मैंने R1 लिख दिया। और 1 + α तो कांस्टेंट ही होता है। T अब ये फाइनल वाला यानी कि ये T3 होगा, माइनस में T0 मतलब इनिशियल वाला टेम्परेचर T1 होगा। तो ये मैंने इस तरीके से इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो R3 है हमारे पास, R1 भी है हमारे पास, अल्फा नहीं है यहाँ पर। अगर देखो हम T3 हमें निकालना है, T1 भी है हमारे पास, अल्फा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो तीन चीज़ें दी थी वो इसीलिए दी कि अल्फा निकल जाएगा हमारा। अल्फा कैसे निकलेगा? इन दो को कंसीडर कर लो। देखो इस इन दो को अगर कंसीडर करेंगे हम, ये इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल रेजिस्टेंस, ये फाइनल टेम्परेचर फाइनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं, यही वाला हमारा R = R0 1 + α ∆T को क्या लिखते हैं हम? T - T0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंज कर दो। देखो R क्या हो जाएगा हमारा यहाँ फाइनल वाला? R2 हो गया। R0 क्या हो गया इसमें? R1 हो गया, 1 + α। और T क्या हो गया हमारा इसमें? T2 हो गया। और T0 क्या हो गया हमारा इसमें? T1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। वैल्यूज पुट करो, R2 कितना है? 5.23 और ये कितना है हमारा? R1 5 है, ये 1 हो गया प्लस में अल्फ़ा। और T2 कितना है हमारा? 100 है। और T1 कितना है? 0 है। इस तरीके से आ गया ये। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही है, 5.23 है ना, इसको 5 से इसको डिवाइड कर दिया, इधर क्या बचा? 1 + α, 100 - 0 = 100। तो ये बचा। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? 5.23/5, ये 1 इधर जाके माइनस का, इधर ये बच गया। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे हम? 5 LCM लेंगे, तो ये 5.23, ये माइनस का 5, ये अल्फ़ा 100, तो यहाँ से 0.23 आया और ये 5 है और ये वाला इक्वल अल्फ़ा और ये 100 इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई होगा नीचे जाके, इधर से ऐसे जाएगा ना ये 100 यहाँ, तो 500 आ गया। तो अल्फ़ा ये हम ऐसे लिख लेते हैं, अभी सोल्व यहीं पर ही कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये अल्फ़ा आया, यहाँ पर पुट कर लेते हैं इसको। सिंपल है या नहीं है बताओ? ईजी है ना। तो देखो ज़रा, अब यहाँ पर आ जाएंगे अल्फ़ा, तो क्योंकि देखो कॉन्स्टेंट होता है ना, जो यहाँ लेंगे वही यहाँ पर होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? क्योंकि वायर तो वही है ना आपकी, प्लेटिनम वायर है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर भी वायर की ही बात कर रहे हैं, तो वैसे बात है इसका अल्फ़ा सेम ही होगा, यहाँ होगा यहाँ होगा। ठीक है, तो R3 जो है हमारे पास वो कितना है? 5.795 है। R1 कितना है हमारे पास? 5 है। ये 1 + α भी आया, तो ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं, 0.23/500। और ये है हमारा T3, हमें निकालना है, T1 है हमारा 0। आ रहा है, देखो इजीली समझ में आ जाएगा अब आपके, ये क्लियर, T3 निकल जाएगा यहाँ से। देखो अब ये वही है कहानी, 5.795। अब तो सोल्व करना आ गया होगा आपको, ये 5 हमेशा ऐसे नीचे जाएगा यहाँ पर, मतलब जो भी रेजिस्टेंस होगा इधर डिवाइड में, इधर जो वैल्यू बचती है वो 1 + ये बची है 0.23/500 और ये T3 - 0, T3 बचा, ये 1 इधर जाके माइनस होगा। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही चल रही है कैलकुलेशन टेम्परेचर वाले जो क्वेश्चन है। ये माइनस का 1 आ गया इधर, अब ये देखो 0.23 है, इसका 100 नीचे लगाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखो LCM ले लेंगे, 5 LCM आ गया यहाँ पर, अगर ये 5 LCM आ गया तो यहाँ 5.795 आएगा और यहाँ माइनस का 5 आएगा, और ये चल रहा है हमारा 23/5 में, ये 500 और ये 2 0 भी साथ में लगा देंगे और साथ में है T3। अब देखो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो भी साथ है 5.75 में से 5.000 माइनस करेंगे तो ये
0.795 बनेगा, पता है ना कैसे, 5 माइनस कर रहे हैं तो ये इस तरीके से होता है, तो 795 और ये 0 इधर इस तरीके से आया, और अब ऑन में क्या है 5 है, ठीक है। अब देखो ये T3 है ना इधर, ठीक है, अब ये T3 यहीं रहने देंगे, ये 50,000 जो है ये ऊपर जाएगा इधर इस तरीके से, 50,000 यहाँ ऊपर चला गया और ये 23 यहाँ नीचे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं बताओ, बिल्कुल सिंपल है कहानी, ठीक है। और इस पॉइंट को भी हटाएंगे हम, तो यहाँ हम इसका 1,000 लगा दें, ठीक है ना, तो ये 1,000 की 3 जीरो इससे कैंसिल हो गई। तो देखो ये क्या बचा हमारे पास, 795 इंटू में क्या है हमारे पास 50 है ये, तो ये 5 से ये कट गया यहाँ, ये 10 आ गया, समझ रहे हो ना, ये 10 आ गया, तो ये कितना बन गया हमारे पास 7950 अपॉन में 23 आ रहा है। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो ज़रा, ठीक है, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे ना, डिवाइड तो करना आता है, बिल्कुल सिंपल वाला ही है ये, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा देखना 345.65 आ जाएगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर जो हमें फाइंड आउट करना था, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, कर लोगे। बस मेन इसमें यही था कि अल्फा कैसे निकाल लेंगे, अगर हम यहाँ से, ये तो पता चल रहा है, हम इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, क्लियर है, लेकिन हम इसके अंदर क्या अब देखो कई बच्चे कहते हैं कि ये वाली इक्वेशन, ये वाला कंसीडर किया हमने और ये वाला ले लें अगर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों से भी कर सकते थे आप यहाँ पर सॉल्व, मैंने इन दोनों को लिया कि ताकि ये जीरो वाला था ना ईजी हो जाता, तो इन दोनों को भी लेके कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ फ़ायदा क्या हुआ है हमें कि इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा अल्फ़ा आया, बिकॉज आप इसको किसी के भी साथ भी सॉल्व करते हैं यहाँ पर अल्फ़ा की तो ज़रूरत पड़ने वाली थी, अल्फ़ा तो पता ही नहीं हमें, तो यहाँ पर दोनों टेम्परेचर है, दोनों रेजिस्टेंस है, तो हमारा फॉर्मूले में दोनों टेम्परेचर दोनों रेजिस्टेंस है, तो अल्फ़ा निकल जाएगा, तो इन दोनों की हेल्प से तो हमने अल्फ़ा निकाला, अल्फ़ा इन दोनों की हेल्प से ही निकलेगा, क्लियर रहती बात, क्योंकि यहाँ दोनों टेम्परेचर हैं और दोनों रेजिस्टेंस है, अल्फ़ा निकल जाएगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पर हम देखते हैं तो इनिशियल फाइनल आप ले सकते हो, जैसे हमने फाइनल ये लिया, इनिशियल ये भी ले सकते थे आप, ठीक है, लेकिन अगर ये वाला लिया तो बहुत ईजिली आपका सोल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पॉइंटों में यहाँ 100 आ रहा है, तो ये ईजिली सोल्व हो जाता है, अल्फ़ा इन दोनों से ही निकाला है हमने, ठीक है जी, कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपके चल रहे हैं NCERT के, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।